नमस्ते भारत, भारत न्यूज 24। और अभी मैं आ गया हूँ सूचित समाजी दल की आवास पे। जिला अध्यक्ष है पटना के, इनसे हम बात करेंगे सर से कि सर क्या क्या सर आगे की रणनीति सूचित समाज दल कर रही है, सर क्या कार्य कर रही है जनता के बीच में। हाँ सर नमस्ते, मैं अखिलेश कुमार सूचित समाज दल पटना जिला का अध्यक्ष। कल 22 जितने भी महापुरुष हमारे हैं शोषित समाज दल को छोड़ करके किसी ने मनाने का काम करता नहीं है, अगर करता भी है तो सिर्फ देखावती रामस्वरूप वर्मा हो या जगदेव बाबू हो या हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हो, सबका जयंती हर पार्टी मनाया करता है लेकिन देखावती किया करता है। हमारे महापुरुष का जयंती मनाने का मेन उद्देश्य है कि समाज में समता समानता का व्यवहार रखना, समता का व्यवहार बनाना, मानववाद लाना, यही मेरा मेन उद्देश्य है। लेकिन जितने भी पार्टी मनाते हैं ये सिर्फ 90% लोगों को मिलाने के लिए मनाते हैं, 90% लोगों का वोट लेने का काम करते हैं लेकिन समता समानता समाज में स्थापित नहीं कर पाते हैं। हम लोग संकल्प के साथ मनाते भी हैं और संकल्प के साथ समता लाते भी हैं, बराबरी गैर बराबरी को दूर करते हैं, बराबरी को स्थापना करते हैं। शोषित समाज दल का यही उद्देश्य है। सर पार्टी सर किस विस्तार पे काम कर रही है सर? पूरे भारत में जितने भी शोषित समाज दल का सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य हैं, जितने भी शोषित समाज दल का नेतागण हैं, पूरे भारत में ये अभियान चला रहे हैं कि इस बार 24 में सत्ता पर काबिज करें और समाज में जितने भी विषमता जैसे फैली हुई है और पार्टियों के द्वारा उस विषमता को दूर करना, निजीकरण को हटाना, राष्ट्रीयकरण को स्थापित करना, आर्थिक स्थिति से मजबूत करना, शिक्षा को दुरुस्त करना, या चपरासी के बेटा हो या राष्ट्रपति का बेटा हो, सबका शिक्षा एक समान हम लोगों का करने का उद्देश्य है। हर घर में रोजगार देने का उद्देश्य है, हर हाथ को रोजगार देने का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से शोषित समाज दल 90% लोगों को मिलाने का काम कर रहा है, संगठित करने का काम कर रहा है। साफ आपने देखा कि इनका एक ही काम है कि शोषित समाजी दल का जनता के बीच में रहना और संगठन को बहुत ही ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। गरीब के हक के लिए हमेशा तत्पर है और लड़ाई भी लड़ रहे हैं। खबरों के साथ बने रहिए, कुमार रोशन, भारत न्यूज 24।